हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मॉम एंड मी। आई होप कि आप सभी लोग खुश स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। और आप सभी लोगों का तीज बहुत ही अच्छे से हुआ होगा। तीज पूजा आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से की होगी, व्रत विधि बिल्कुल नियम के साथ। मैंने भी किस तरीके से पूजा की है उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यदि कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले मैंने भगवान को श्रृंगार, माता रानी को चढ़ाने के लिए जो श्रृंगार का सामान लिया था, इन सारे श्रृंगार के सामान को मैंने इकट्ठा कर लिया है। उन्हें चढ़ाने के लिए जितनी चीज़ें हो सकती हैं, कहा जाता है अपनी क्षमता अनुसार जितनी श्रृंगार की चीज़ें हों उन्हें चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उन्हें एक किनारे करने के बाद मैं सबसे पहले ही प्रातः उठकर, जैसे अपने नित्य जो भी आप काम करते हैं उसको करने के बाद, नहा कर साफ़ सुथरा हो करके मैंने वो पूजा का सामान इकट्ठा किया। उसके बाद मिट्टी ला करके मैंने शिवलिंग बनाया। कुछ इस तरह से मैंने शिवलिंग बना के तैयार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शिवलिंग पसंद आई होगी, ये बनाने का तरीका पसंद आया होगा। इस बार मेरे पास समय थोड़ा कम था जिसकी वजह से मैंने इसे और अच्छे से नहीं बना पाया, जैसा कि मैं हर साल बनाती हूँ। मिट्टी से शिवलिंग बनाने के बाद उस पर लाल कलर से तिलक और काले कलर से, मतलब जिस तरह से शिवलिंग होती है उस तरह से और अच्छा बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। उसके बाद मुझे जहाँ पूजा पाठ करनी थी उस जगह को मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा किया, फिर वहाँ पे मैट बिछाया। उसके बाद जिस पे भगवान की मूर्ति स्थापित करनी थी, जहाँ मुझे पूजा करना था, मेरे पास जो चीज़ें थी, जो चीज़ मैं इकट्ठा कर पाई, उन चीज़ों में मैंने मंडप बनाया, छोटा सा चौक तैयार किया और सारी पूजा सामग्री इकट्ठा कर ली। जो जो मुझे चढ़ावे में चढ़ाना था प्रसाद में, उन सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि शिवलिंग भी बिल्कुल सही से बन चुकी है और टूटी फूटी बिल्कुल नहीं है और अच्छे से तैयार हो गया है। उसके बाद मैं खुद तैयार होकर के आई ताकि मैं पूजा को अच्छे से टाइम पे कर लूँ। सबसे पहले मैंने गंगा जल से शिवलिंग और जो मैंने तस्वीर लगाई थी उन सारी चीज़ों पर मैंने गंगा जल और उन चीज़ों से मैंने साफ़ किया, उनको नहलाया। उसके बाद मैंने जो कपड़ा मुझे चढ़ाना था, जो साड़ी मैंने दुपट्टा था रेड कलर का मुझे चढ़ाना था, वो मैंने लिया और माता रानी, माता पार्वती, भगवान शिव के फ़ोटो पे इस तरीके से डाल दिया है। उसके बाद से पूजा आरंभ हो गई है। अब मैं इसी तरीके से सारी चीज़ें जो है चढ़ाने के बाद कथा किया, आरती की। किया जाता है। व्रत करने वाले को चाहिए कि वह एक दिन पहले ही अपने
फुहार और लीप कर स्वच्छ कर लेवे। बीच आंगन में व्रत के लिए स्थान लेके चारों ओर केले के पत्ते खड़े कर मंडप बनावे। चौक लगावे, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। कलश को यथा स्थान पर रखें, इसके सामने दीपक जलावे और शुद्ध हृदय से मंत्र पढ़कर व्रत की प्रतिमा को पंचामृत में स्नान करावें और उसके बाद उन्हें गंगा जल में स्नान करावें। स्नान करा कर शुद्ध वस्त्र से उनके शरीर को सुखावें, नवीन वस्त्र धारण करावें, शरीर पर चंदन का लेप करें, होली का तिलक लगावे, धूप जलावे, दीप दान करें, फूल माला पहरावे, प्रभु से आरती करें, नैवेद्य लगावे, दक्षिणा रखें, तत्पश्चात मन ही मन कृत भावना भगवान शंकर का ध्यान करें और इस प्रकार प्रार्थना करें। हे भगवान वासुदेव, पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माघ की शीत मास में तुमने ठंडे जल में बैठकर तप किया था। वैशाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग के समान बैठकर तप कर रहे थे, सामने बैठकर तप कर रहे थे। श्रावण के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर बाहर जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई। वे मन में दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह का चिंता किया। उसी समय देव ऋषि नारद वहाँ आ निकले। नारद ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुख से दुखी हिमालय ने नारद जी के लिए श्रेष्ठ सम्मान किया और तब बोले, हे देवर्षि, के मन में एक पार्वती ने अपनी सखी के साथ उस गुफा में रहना प्रारंभ किया। माता पार्वती ने अन्न को त्याग दिया। वहाँ उन्होंने भगवान शंकर की एक रेत की प्रतिमा बनाई और उसी प्रतिमा की आराधना करने लगी। कथा आरती करने के बाद, घर पे पूजा करने के बाद मैं मंदिर के लिए निकल गई और मंदिर जा कर के वहाँ पे भगवान का दर्शन किया और अच्छे से पूजा विधि मैंने संपन्न की। मुहूर्त के अंदर ही मैंने घर पे भी पूजा कर ली थी और मंदिर पे भी जा कर के पूजा कर ली थी। वहाँ पे भी बहुत सारी औरतें आई हुई थी जो कि पूजा कर रही थी, मैंने भी अच्छे से पूजा कर। आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।